स्टूडेंट्स, सो कार्बोनोलिड्स कंपाउंड में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एलोट्रॉप क्या होता है? जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में होता है, जहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स या फिर सिंपली एलोट्रॉप्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि वो फिनोमिना है जिसके अंदर एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ठीक है, एलोट्रॉपी बोलते हैं, और जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म या फिर एलोट्रॉप्स। ठीक है, ओके, तो हम कार्बन के एलोट्रॉप्स कर रहे हैं। तो कार्बन जैसे कि थ्री क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर होता है, होता तो वैसे ज़्यादा है लेकिन आपके लेवल तक हम सिर्फ तीन एलोट्रॉप्स ही करेंगे कार्बन के। द फर्स्ट वन इज़ डायमंड। ओके, तो इन तीनों एलोट्रॉपिक्स फॉर्म में जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है जो कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। क्यों है ये? तो जब है ना हम इसको बर्न, इन तीनों को बर्न करते हैं एयर के अंदर, तो एक कलरलेस ओडरलेस गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन तीनों एलोट्रॉप्स की वो डिफरेंट है, लेकिन केमिकल क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो जो उनका रीअरेंजमेंट है कार्बन एटम का वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो डायमंड का मतलब होता है अनब्रेकेबल, ये जो ग्रीक वर्ड है। और डायमंड जो है नेचर के अंदर कहाँ पे मिलता है हमें? ये हमें अफ्रीका के अंदर मिलता है, साउथ अफ्रीका के अंदर, और उसके अलावा हमें ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इन जगह पर हमें ये मिलता है। उसके बाद उसको हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, जो प्योर कार्बन है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज़ अबाउट 50,000 से लेके 60,000 तक। ठीक है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें देना पड़ेगा। इसके अलावा 1873 केल्विन टेम्परेचर हमें, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। जबकि जो सिंथेसाइज डायमंड है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं नेचुरल से, लेकिन है ना उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, ऑलमोस्ट सेम होते हैं वो। उसके बाद साइज़ ऑफ जो डायमंड होता है वो कैरेट्स के फॉर्म में हम मेज़र करते हैं, और एक कैरेट के अंदर 200 मिलीग्राम होता है। और जो फेमस कोहिनूर हीरा था, आपने सभी ने सुना ही होगा उसके बारे में, तो जो कि जो इंग्लैंड की क्वीन थी उनके क्राउन के ऊपर था, तब उस टाइम पे उसका जो वेट था वो 108.93 था, लेकिन जब उसको इंडिया में लाया गया और तो उसका वेट था 181 कैरेट। ठीक है, उसके ब्रिलियंस को रिस्टोर करने के लिए, लक्षर करने के लिए जो उसका वेट था 39.8% जो है उसका वेट शेड हो गया था। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं डायमंड की, तो डायमंड में ना हर एक कार्बन एटम किस तरीके से है, चार कार्बन एटम के साथ एक स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 154 पिकोमीटर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो फोर सराउंडिंग कार्बन एटम हैं और जिनकी जो फोर वर्टेक्स हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था कि जैसे टेट्राहेड्रल शेप थी ना, सेम वही, क्योंकि जो एंगल होता है ना उनके टू एडजेसेंट कार्बन का वो 109 डिग्री 28 मिनट से होता है। ठीक है, जिसको हम टेट्राहेड्रल एंगल ही बोलते हैं। आपको दिखाया था कुछ इस टाइप का इमेज 3D के अंदर। ठीक है, तो उस कुछ इस तरीके की ही बॉन्डिंग यहाँ पे वो करता है। उसके बाद ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो है कार्बन एटम्स की, वो एक रिजिड थ्री डायमेंशनल शेप दे देती है, एक बड़ा सा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। और तो एक क्रिस्टल डायमंड, जो एक बड़ा सा क्रिस्टल डायमंड मॉलिक्यूल हमें मिलता है, सिर्फ उसके अंदर क्या होते हैं,
कार्बन होते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है कार्बन एटम चार कार्बन एटम से बॉन्डेड है और एक चेन कोवलेंट नेटवर्क लैटिक जो है हमारा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है, 3D नेटवर्क है, तो इसको वो बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है, और इतना ज़्यादा हार्ड है कि नेचर में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट यही है डायमंड, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है उसकी। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन एटम जो होते हैं ना इस डायमंड के अंदर, वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए उनकी हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी लगभग उसकी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। उसके बाद हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उस नेटवर्क स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। और वो एनर्जी भी कितनी है? 3930 डिग्री सेल्सियस या फिर 4203 केल्विन, ठीक है। इतनी ज़्यादा हमें हाई एनर्जीज को देनी पड़ती है इसको ब्रेक करने के लिए, इसी वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूँ तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पास पास बिल्कुल फर्मली हेल्ड हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ, वहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आयंस मूव कैसे करेंगे? आयन मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? इसीलिए या तो ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा बेड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी, मतलब कि इतनी ज़्यादा है कि लगभग 5 times कॉपर के, ठीक है। इसलिए यही रीज़न है कि डायमंड जो है इसको ट्रिप्ड टूल की जगह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ओवरहीट करना पड़ता है। इसको हम ड्रिलिंग या फिर कटिंग पर्पस से भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद वेरी हार्ड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ हार्डनेस के बारे में इसको। एंड ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ 2.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका, मतलब कि ये रिफ्लेक्ट कर सकता है और रिफ्रैक्ट कर सकता है लाइट को। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो थ्रू बैक कर देता है, जैसे हीट है, लाइट है या साउंड है, उसको एब्जॉर्ब किए बिना उसको थ्रू बैक कर देता है। और रिफ्रैक्टिव लाइट का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के पास जाएंगे तो टकरा के उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। आप फिज़िक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। और अगर यूजेस की बात करूँ मैं इसके, तो डायमंड जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये, और हार्ड होता है तो इसलिए हम ग्लास कटिंग के लिए, ड्रिलिंग रॉक्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, डाइज बनाने में हम यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद डाइज किस लिए? जो वायर्स होती हैं मेटल्स की, उनको उनकी डाइज बनाने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ DIES डाइज, ठीक है, ओके। जब डायमंड को कट किया जाता है और पॉलिश किया जाता है तो बहुत ज़्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है इसकी आउटर सरफेस पे, इसलिए इसको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ज्वेलरी तो किसको पसंद नहीं होगी डायमंड की, ठीक है, उसके। और शार्प एजिड है इसके डायमंड के, तो इसलिए हम ये जो टूल्स यूज़ करते हैं आई सर्जन्स यूज़ करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आईज़ के अंदर, उसको उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो है राइटिंग स्टोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइटिंग स्टोन, सेमी मेटल है ये, और ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। नेचर के अंदर अगर हम मैं बात करूँ तो ये चाइना में मिलता है, साउथ कोरिया, रशिया और इंडिया के अंदर मिलता है, ठीक है। और इसके साथ मिक्स किया जाता है, सिलिका मिक्स की जाती है, मिका और क्वार्ट्ज मिक्स किया जाता है। आर्टिफिशियली भी हम इसको बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूरेंस से, लगभग हमें देना पड़ेगा 2273 से लेके 2773 केल्विन तक, ठीक है। कैसे बनता है ये?
पर ही अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो कार्बन और सिलिका को जब ऐड करते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है, और वो उसको जब हम काफ़ी ज़्यादा हीट देते हैं तो वो ग्रेफाइट बन जाता है और सिलिकॉन हमारा वहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ग्रेफाइट डिफरेंट है कार्बन डायमंड से। तो ग्रेफाइट क्रिस्टल एक्चुअली के अंदर एक शीट लेयर्स की तरह होते हैं कार्बन के अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कुछ आपको शीट्स की तरह दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर इसमें हर एक कार्बन जो है ग्रेफाइट लेयर का वो बॉन्डेड होता है 3 कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है वो उसके साथ, और फोर्थ वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए हर एक कार्बन हेक्सागोनल रिंग जो है वो 3 alternate single and 1 double bond बना लेती है। ठीक है, 3 तो alternative single bond बना ली और 1 double bond बना लेती है, क्योंकि कार्बन को अपनी 4 valency कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद डायमंड के अलावा जो ग्रेफाइट है वो 2-dimensional sheet होता है। ठीक है, डायमंड तो 3D था लेकिन ईच की जो शीट होती है वो 2D होती है। ठीक है, मतलब कि लेयर की फॉर्म में होती है, जैसे कि बेंजीन मैंने आपको दिखाया था बेंजीन रिंग के जैसे। तो बहुत सारे वेरियस शीट्स जो होते हैं लेयर्स की वो एक साथ वंडरवॉल फोर्स के साथ चिपके होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जो डिस्टेंस होता है इनकी लेयर्स के बीच में दैट इज़ 340 picometer। ठीक है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट की तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, क्योंकि जो स्पेस होता है वो 340 picometer होता है दोनों लेयर्स के बीच में, तो बहुत ज़्यादा क्लोज बहुत कम क्लोजली पैक हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा डेंस नहीं होता है। इसकी डेंसिटी जो होती है वो 2.22 gram per cm³ होती है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू डायमंड, डायमंड की 3.51 थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। क्यों होता है सॉफ्ट, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होती हैं इसके ऊपर, लेयर्स की वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, और जो फोर्स है वो मैंने बताया कि वंडरवॉल फोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए लेयर जो है वो ईजिली स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और इसी वजह से जो ग्रेफाइट होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ड्राई होता है, सॉलिड होता है। लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है हैवी मशीनरी में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूँ अगर मैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कार्बन हमें पता है कि 4 valence electron बताता है, लेकिन ग्रेफाइट क्रिस्टल है ये, इसमें हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है हेक्सागोनल रिंग के अंदर, और 3 valence electrons जो है बॉन्ड के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, इसलिए जो फोर्थ वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है यहाँ पे मूव करने के लिए। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन होता है इसके अंदर, और इसकी वजह से जो है ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट का भी गुड कंडक्टर है। ठीक है, अगर यूजेस की बात करूँ तो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और पाउडर्ड ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट में, जो ग्रीस वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम जेली वगैरह होते हैं, इसके साथ मिक्स किया जाता है उसको। ग्रेफाइट एक नॉन वॉलेटाइल है और इसको यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट हैवी मशीनरी में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रन करती हैं। सॉफ्ट होता है, ब्लैक होता है, इसलिए हम पेंसिल्स में हम इसको यूज़ करते हैं, पेपर ब्लैक में ही हम यूज़ करते हैं इसको, साथ में जो है ना उसकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी जो हमें चाहिए उसके साथ मिक्स कर देते हैं वैक्स क्ले ग्रेफाइट में, और इसकी हम लेड पेंसिल बनाते हैं। गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड ड्राई सेल के लिए और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ के लिए। कार्बन ब्रशेज होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, वो भी ग्रेफाइट से बनते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।